इसके कंपोनेंट एकदम सड़ गए हैं और इसकी जो आईसी लगी हुई है वो भी काफ़ी सड़ गई है। अच्छा, उस हालत में भी ये चालू है, आपने ये चीज़ नोटिस किया? टच टच करेंगे हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाय माय यूट्यूब के प्यारे लोगों, एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक फोन आज हम बनाने यहाँ आए हैं इस वीडियो में, और हम बनाएंगे चार्जिंग एक सैमसंग A30 का। दोस्तों, ये सारी वीडियो को दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद की बहुत बहुत एडवांस में बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ इसे टेलीकॉम मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। तो चलिए चलते हैं इस फ़ोन को बना के और देखते हैं कि इस फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं और किस कंडीशन में ये फ़ोन आया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन, तो आप एक छोटा सा देख रहे होंगे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बार मैं पीछे टीवी पे नहीं दिखा रहा, एक अलग से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है। तो आप देखिए, फिलहाल ये देखिए, मैंने मेरे पास एक फ़ोन है, ऑन कंडीशन में फ़ोन है ये, बट इस फ़ोन में ना चार्जिंग नहीं हो रही है, तो इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन है। अगर मैं इस फ़ोन में चार्जिंग करने की भी कोशिश करूं तो ये होती नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 18% चार्जर है, चार्जर लगा हुआ है बट अभी सिंबल नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं चार्जर हटाऊंगा और फिर से चार्जर लगाऊंगा, ये देखिए अभी चार्जर दिखना कम्प्लीटली बंद हो गया है, और फ़ोन में पीछे केबल पूरी लगी हुई है। नॉर्मल टेक्नीशियन ने ये सब पीसीबी चेंज कर दी है, ऑब्वियस है केबल एवल इसकी एफपीसी बिल्कुल सही है। तो क्या फॉल्ट है, आइए पकड़ते हैं इसको, फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर चार्जिंग होता नहीं है, और होता है तो फिर बंद हो जाता है। ये देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और अगर मान लीजिए मैं इसको स्लीप मोड में डाल दूँ, ये देखिए, और स्लीप मोड में वापस ये लगाऊं, तो देखिए। तो चलिए इस फ़ोन को बनाते हैं और इस फ़ोन की कंडीशन समझते हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता हूँ इस फ़ोन को बनाने में, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया और नॉलेजेबल हो। दोस्तों, ये वीडियो नॉर्मल वीडियो हो सकता है आपके लिए, चार्जिंग आईसी उतारना या कोई सी पावर आईसी उतारना या सीपीयू करना नॉर्मल हो सकता है, बट अगर आप टेक्नीशियन है और आप सर्किट लेवल पे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, देखो रीस्टार्ट कर गया, तो आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। बाकी अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिया नंबर पे। ये बैच अब तो ईद आप लोग ने मनाई है बहुत अच्छे से, और तो अभी ईद मना ली है, तो आइए क्लासेस और ज्वाइन कीजिए और अपना फ्यूचर को बेटर बनाइए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, और आप देख सकते हैं मैंने कैसे चालू किया था ये फ़ोन। ये देखिए, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन है डीसी केबल से चालू नहीं होते, तो उनको प्लस माइनस देना होता है, इसलिए मैंने इसको एक यहाँ से प्लस ले लिया था। तो सबसे पहले आइए इसकी कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर फ़ोन को मैंने थोड़ा इसकी सील्ड ओपन की थी, और मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर किया जाए। आप देखेंगे ये एक वाटर डैमेज सेट है, और आप इसकी हालत तो देख ही रहे होंगे कि इस सेट की हालत क्या हो गई है। तो हम इस सेट की पूरी हालत सुधारेंगे, इसके कंपोनेंट एकदम सड़ गए हैं, और इसकी जो आईसी लगी हुई है वो भी काफ़ी सड़ गई है। अच्छा, उस हालत में भी ये चालू है, आपने ये चीज़ नोटिस किया? टच चल रहा है, और लाइट का अप डाउन हो रहा है क्योंकि लाइट आईसी अलग है, बट फिर भी फ़ोन चालू है। तो यहाँ पर कुछ लाइन शॉर्ट नहीं है, पर मैं बोल नहीं चाहता, भी मैंने चेक नहीं किया,
तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो हालत है, ये हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पीसीबी एकदम से सड़ी गई है पूरी तरीके से। ये पीसीबी का ये पार्ट अगर आप देख सकते हैं, तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फ़ोन तो चालू है, हमें तो चार्जिंग भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं वॉश कर लेता हूँ, यहाँ मैं वॉश शुरू करूँगा भाई, यहाँ पे आपको ही वॉश करना है। बट यहाँ पर बट डेड फोन में आईसीयू को हीट करना है या वॉश करना नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं वॉश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो चार्जिंग कॉइल है, जिसको चार्जिंग बक कॉइल बोलते हैं, ये बिल्कुल पूरा की पूरा इस तरह से सड़ गया है। चलो फिर भी पर बीपीएच लाइन तो बनी रही है। और आप ये डायोड भी देख सकते हैं, ये वाला डायोड हो सकता है पर ये पत्रा निकालने पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, पर ठीक है, अब देखो पोजिशन पर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो आई सी दिखाई दे रही है, ये एक आपकी चार्जिंग प्रोटेक्शन आईसी होती है, जो अक्सर सैमसंग फ़ोनों में लगी होती है। इन आईसीओ को आप चाहे निकाल सकते हैं, बट ये प्रोटेक्शन के जैसे काम करती है। सो ये पैलर होती है, एक लाइन की ग्राउंड होती है, और ये आपकी लगी हुई है ओबीपी आईसी, ठीक है। और यहाँ से ये देखो, ये कॉइल जो दिख रहा है, यहाँ से इनपुट होकर 5 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहा होता है। और ये आईसी सब पावर आईसी है, S2MU, और एक आपकी चार्जिंग और प्लस एक DC-to-DC आईसी है। तो DC-to-DC आईसी में तो कोई खराबी नहीं है। अब एक बार GR भी हम चेक करेंगे। और देखेंगे इसका GR बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे भी GR आ रहा है, और बीप चेक कर लेंगे, ये बीप दे रही है। हाँ, क्योंकि रीजन क्या बीप देने का, क्योंकि ये चार्जिंग है ना, कभी कभी थोड़ा बहुत पकड़ भी लेती है और छोड़ भी देती है, ठीक है। तो भारी कॉम्पोनेंट तो ठीक लग रहे हैं, और ओबीपी आईसी भी मेरे को ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेन क्या है कि अगर ओबीपी आईसी ख़राब होती तो ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं लेती। क्योंकि मैं फ़िलहाल ये आईसी को निकाल के इसको थोड़ा क्लीन कर रहे देखूंगा, और क्योंकि बॉर्डर डैमेज है, हालांकि साफ है, पर इसको रिवॉल्व करके देख सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पर मैं बेटर मानता हूँ चेंज करने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइफ मिलती है। अब इस आईसी को निकाल लेते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आप आईसी को निकालते समय ध्यान रखिएगा ये नोज़ कट पॉइंट। ये नोज़ कट पॉइंट लोग भूल जाते हैं, और बहुत सारे मैंने ऐसे सेट देखे हैं बनाते टाइम कि ये उल्टा लगा देते हैं और सेट डेड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कॉइल वॉयल सब चेंज करके देखेंगे, ये कैपेसिटर सब नया लगाएंगे। मैं तो सभी चेंज कर दूंगा, क्योंकि मिरर को तो मज़ा आता है सब चेंज करने में, बट बनाना है सर्किट हमें पहले, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर हमारे पास सेम बोर्ड है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आईसी उठा ली है, और इस आईसी को मैं पीछे घुमा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आईसी के नीचे तो कोई कचरा या इस तरह से वाटर डैमेज के निशान नहीं मिल रहे हैं। सो इसका ये मतलब है कि क्यों आईसी वैसे भी वर्क भी तो कर रही थी, तो वाटर डैमेज में आने के कारण बेसिकली आईसी के अंदर तो पानी नहीं गया है, पर आईसी के बाहर पानी इतना जमा होने के कारण रस्ट, जिसको बोलते हैं जंग लग गया है, कॉम्पोनेंट एकदम सड़ से गए, ठीक है। तो आप जैसे ये कैपेसिटर चेक देख सकते हैं, और हम इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू अब आप देखेंगे कि इन पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो रीज़न ये आईसी है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी एक वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये कैपेसिटर का एक भाग आपको देखो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, सारा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कॉइल भी आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगर आप दुकान में हैं, आप अपना कम से कम पैसा यू बचाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आईसी को आप चेंज करके ना एक बार रिवॉल्व करके देख लें,
और चला दें और कस्टमर को दे दें और कह दें कि अगर वापस होता है तो फिर से कोई बात नहीं, बना देंगे क्योंकि आपने यहाँ पर रिवोल्व की है। बट अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो भी आपका ज़्यादा अच्छा काम होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी आईसी वाटर डैमेज नहीं थी, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा आईसी। दोस्तों अगर आप क्लास आएंगे तो मैं इस आईसी के अंदर का एक एक डाटा स्ट्रक्चर सब बताऊंगा आपको, इस आईसी का डाटा सीट लेने के। देखो डाटा सीट कौन ढूंढता है, आप देख सकते हैं इस तरह की डाटा सीटें होती हैं। ये डाटा सीट कौन ढूंढता है, डाटा सीट ढूंढने की आप लोगों को जरूरत नहीं, आप क्लास आओ, मैं आपको एक एक आईसी का पैड बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर बीबस कहाँ आ रहा है, इसके अंदर स्विचिंग कहाँ हो रही है, आईसी के अंदर एमआईडी की लाइन किधर है, मतलब ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको बताऊंगा किस कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं आईसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ हम इसमें मैं आपको बताऊंगा और वो भी प्रैक्टिकल, और आपसे बोर्ड पे इसको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो आप क्लास आओ अगर ऐसे काम करना है आपको। तो मैंने आईसी निकाल दी है अब। तो दोस्तों एक नया काम करते हैं इसमें, आप हम आईसी भी चेंज कर सकते हैं, बट हम एक काम करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट चेंज करते हैं और अंदर से सफाई करते हैं। जनरली लोग ऊपर से करते हैं, मैं अंदर से करूँगा और वही आईसी सेम लगाते हैं और देखते हैं कि मेरा काम हो रहा है। हो सकता है कि कम बजट में मेरा काम हो जाए और ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो अभी कि मैंने दूसरा बोर्ड ले लिया है तो मैं इसके कुछ कंपोनेंट के साथ में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके एक एक करके कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। बिल्कुल नया जैसा बनाते हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, सच बताएं। अगर आपको मज़ा आता है और आपको ये काम सीखना है तो आप बिल्कुल ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करो, ऐसा बहुत बेहतरीन काम सिखाएंगे हम आपको। देखिए बहुत सारे कंपोनेंट निकाल लिए। और दोस्तों ये वीडियो तो इतना फनी वीडियो होगा और मज़ा आ रहा है मेरे को कसम से काम करने में। और मैं वही आईसी लगाऊंगा, मैंने सोचा भी मैं नया आईसी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा सेट तो चालू हो रहा है ना अब। हालांकि मैं अपना आईसी की स्विचिंग भी चेक कर सकता, बट मैं लगाऊंगा और अपनी आईसी की स्विचिंग चेक करूंगा, ये मैं पहले भी कर सकता था, बट मेरे को है ना ये सारी प्रोसीजर करने के बाद, मैं आईसी लगाने के बाद ही चेक करूंगा। ठीक है, तो मैंने तो जो भी कंपोनेंट देखा था जिसका एक सिरा काला हो गया मैंने उठा दिया है, अभी मैं उसको एक एक करके रिप्लेस करूंगा। एक थर्मल पैड यूज कर लेते हैं, ये थर्मल पैड होता है दोस्तों। ये मैंने ZX मलिस से परचेस किया हुआ है, जब भी मैं आईसी पे काम करता हूँ तो एक ये लगा लेता हूँ। हालांकि इस आईसी में कोई इतना ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं है काम करने में। तो ये थर्मल पैड मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब
और मैं कुछ कंपोनेंट भी दिखाता हूँ आपको, कौन से चार्जिंग के कंपोनेंट होते हैं। तो ये इसके लिए मैं कंप्यूटर अपने लैपटॉप पे आऊँगा और वीडियो यूज़ नहीं करने वाला, मैं उसका डायग्राम यूज़ करूँगा, उसके कुछ पार्ट और कंपोनेंट दिखाऊँगा। ये वीडियो आपको मैंने कहा ना नॉलेजेबल बहुत लगेगा, मैं इसकी कुछ सप्लाई भी बताऊँगा, इम्पोर्टेंट सप्लाई, और ये वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इतने सारे कंपोनेंट इकट्ठे कर लिए हैं, चलो एक बार में ये कंपोनेंट लगाते हैं। पहले तो एयर कर देंगे 0, हीट रख देंगे 300 पर, देखिए ऊपर के कंपोनेंट तो सारे लग गए हैं।
ठीक है। अब नीचे के एक दो तीन चार पांच और ये कॉम्प्रेट लगाना है, तो ये भी लगा लेते हैं। थोड़ा बोट को ठंडा करेंगे। ये अच्छा है, सारे कॉम्पोनेंट ही चेंज कर दो, झंझट खत्म, मजा आता है भाई। आप वॉर्डर में सेट है, मैं तो एकदम चमकता हुआ बोट दूंगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें से जो फॉल्टी कॉम्पोनेंट है वो खाली ढूंढ के निकाल के फॉल्ट बना के दे दूं, ये तो सब नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग कर रहे हैं, कुछ हटके अलग करते हैं ना भाई, अलग। क्योंकि वैसे भी छोटा मोटा फॉल्ट है, मैं इस पर कोई वीडियो बनाता नहीं, पर आज कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन किया तो, और नॉलेज भी आपको मिल रहा होगा। तो देखिए, मैं यहाँ से कॉम्पोनेंट निकाला है, नीचे से एक बार कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। तो भाई डन हो चुका है मामला, अब ये सारे कॉम्पोनेंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये सारे कॉम्पोनेंट हमने निकाले हैं, अब हम इसको रख देते हैं साइड में और इसकी आईसी लेते हैं और रिबॉल्व करते हैं। ठीक है, आईसी रिबॉल्व कर लेते हैं।
और दोस्तों आईसी रिबॉल करके, क्योंकि आईसी भी ख़राब हो सकती है, बट मैं आईसी को एक बार चेक कर लूँगा कि वो आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये लगाने के बाद भी चेक कर सकते हैं हम फ्रिक्वेंसी हमारी डीएसओ के साथ। तो बहुत ज़्यादा आईसी को क्लीन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना आईसी के ये ग्लास आईसी इसके पैड खराब हो जाते हैं। तो उसको रिबॉल हम डायरेक्टली कर ही देते हैं। मैं हमेशा पर नई आईसी लगाने में बिलीव करता हूँ, बट हमें भी पता चलेगा और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी पता चलेगा कि ये आईसी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और हम अपने आईसी को भी चेक करेंगे। तो आईसी रिबॉल हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्सल में रिबॉल करते हैं तो ये जो होता है थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे जो एक्स्ट्रा बॉल्स बने हुए हैं। ये देखिए तो देखिए क्लीन हो चुकी है आईसी, और अब हम आईसी को यूज कर लेते हैं। आईसी को लगा देते हैं। तो आईसी हमारी हिल गई, इसको कहते हैं डांस करना। आप टच करेंगे तो हमारी आईसी लग गई है। हम थोड़ा सा अब उसको
फैन की हवा खिलाते हैं। और दोस्तों देखो, पहले के मुकाबले और अभी में कितना अंतर है, फोटो देख रहे हो आप। पहला अभी अभी क्या, मैं कस्टमर को दिखा के उससे अच्छे पैसे यूज ले सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि भाई देखो तुम्हारी क्या कंडीशन थी, क्या कंपोनेंट बदला, थोड़ा सा स्किल नॉलेज आपको हो तो आप दोस्तों अच्छी कमाई कर सकते हैं, और ये हम आपको करवाएंगे। तो पहले आपके में बहुत अंतर है, एक ये और ये दो बार है जो छूट गए मेरे ख्याल से, ठीक है, इसको थोड़ा सा है ना सीधा कर लेते हैं। अब एक बार आसपास के जीआर भी चेक कर लेते हैं, इतना सब कुछ लगाया है, टेस्टिंग कर लेते हैं। ये आईसी जो है आपका ओबीपी, वो भी बिना रिवॉल्व करके लगाया है, सिर ऊपर रख दिया है। तो दोस्तों फाइनली क्या क्या किया हमने, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पुराने आप देख रहे होंगे, हमने अभी आईसी चेंज नहीं की है। मैंने बोला ना मैं बिलीव करता हूँ आईसी चेंज में, बट मैंने आईसी चेंज नहीं की है क्योंकि आईसी की मैंने देखा था निकाल के, मैंने खुद मैंने रियलाइज़ किया कि आईसी चेंज करना तो मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि आईसी बिल्कुल अंदर से नीचे से नेटिंग क्लीन थी। तो हमने ऊपरी के कॉम्पोनेंट चेंज किए हैं। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे कॉम्पोनेंट चेंज कर दिए, आपको से भी एक कॉम्पोनेंट चेंज करना था, और एक कॉम्पोनेंट चेंज करके इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा। भाई ये वीडियो मैंने अपने मजे के लिए बनाया है, आपके लिए नहीं। हाँ, ऊपर से कॉम्पोनेंट बहुत सारे सड़ गए थे तो मैंने इसलिए उसको चेंज किया, नेक्स्ट कभी आगे प्रॉब्लम ना जाए, वो कॉम्पोनेंट कहीं ख़राब ना हो जाए, और का जो उसका लुक है वो भी एक नया जैसे आ जाए, तो इसलिए मैंने ये किया। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। बट यहाँ पर अब हम मेन देखेंगे कि हमारा जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये जो पहले मैंने डीसी मशीन के साथ लगाया था, ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डीसी मशीन के साथ लगाया था, तो ये इसकी बैटरी थी, तो मैंने इसकी बैटरी उतार के दूसरी बैटरी लगा दी है यहाँ पर, ओके। तो अब इस बोर्ड को हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा सेम बोर्ड, ये आप देख सकते हैं जिस बोर्ड पे हमने काम किया था, देखिए ये हमारा सेम बोर्ड जिस पे हमने काम किया था, कि अब उसकी वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने आईसी नहीं चेंज की है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था मैंने आईसी चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्लीनिंग की है और उसको रिवॉल्व किया है, और उसके आसपास के कॉम्पोनेंट देखो दोस्तों, ये सिर्फ आईसी रिवॉल्व भी कर देता तो भी हो जाता, और क्लीनिंग से ही हो जाता, बट मैंने कॉम्पोनेंट चेंज इसलिए किए हैं ताकि उसका भी बेहतर एक इम्प्रूवमेंट हो। सारे कॉम्पोनेंट लगभग सड़ ही चुके थे, तो अब हमें डीसी मशीन लगाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केबल लगा ली है, ठीक है। और अब पहले तो उसको डायरेक्ट चार्जर लगाऊंगा, जो कि चार्जिंग ये ले नहीं रहा था बिल्कुल भी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग लगाने के बाद देखिए 0.60 ले लिया, देखिए चार्जिंग भी ले लिया इसने, जो पहले चार्जिंग नहीं ले रहा था अब चार्जिंग ले लिया है, और ये चार्जिंग भी बिल्कुल टनाटन कर रहा है। और इसको दिखाने के लिए ये देखिए एम्पियर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कितने एम्पियर ले रहा है। तो देखो 74% जो मेरी बैटरी थी, और आप एम्पियर देखिए तो एम्पियर ही आपको 1.3 एम्पियर दिखा रहा है। तो और मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, और ये हम चेक करेंगे कि ऑन करने पर ये चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये भी हम चेक करेंगे क्योंकि 74% है, अब ये बैटरी से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बैटरी से ऑन हो चुका है फ़ोन, और जो हमने पहले डीसी मशीन लगा के हम ऑन कर रहे थे अब बैटरी से ऑन हो चुका है। अब
इसमें चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा काम हो गया है कि नहीं हो गया है। और दोस्तों मैं चाहता कि DSO से इस IC को चेक कर सकता था, मैं चाहता तो एक एक कॉम्पोनेंट चेक कर सकता था, मैं चाहता तो IC, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत IC के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ा IC का इस बार मैं चाहता हूँ कि स्कीमेटिक भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि जिन भाइयों को लगे कि हाँ भाई मुझे सीखना है, अब मुझे लगता है ऐसा कि आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं और 74% है। देखिए ये अभी आपका स्लीप मोड पे चला गया है और मैं इसको चार्जर पे लगाना चाहता हूँ। ये देखिए इधर चार्जिंग ले लिया है यहाँ पर, और मैं इसका स्लीप मोड हटाना चाहता हूँ। ये देखिए तो वापस यूज़ कर रहा हूँ, केबल डेली है पीछे तो देखिएगा। देखिए देखिए फिर से चार्जिंग पे ले लिया यहाँ पर, और अगर स्लीप मोड पीछे से हटाओ तो देखिए अब इसका चार्जिंग परसेंटेज देखिए, यहाँ पे चार्जिंग आपको शो हो रहा होगा। देखिए ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे चार्जिंग भी शो हो रहा होगा, जो पहले चार्जिंग शो नहीं हो रहा था। देखिए फिर से निकालता हूँ, देखिए मैंने निकाल दिया है और फिर से लगाऊंगा। ये देखिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका चार्जिंग परसेंटेज भी शो हो रहा है। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?